वहीं इसराइल की सेना का कहना है कि गजा से दक्षिणी इसराइल की तरफ कई फलस्तीनी लड़ाके घुस आए हैं। इसराइली सेना ने गजा की तरफ से इसराइल पर किए गए अचानक हमले में दर्जनों चरमपंथी गजा पट्टी से इस मिनट के भीतर इसराइल की तरफ 5,000 रॉकेट दागे हैं। हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने इन हमलों के बाद एक बयान में कहा, हमने ये सीमा के करीब रहने वाले लोगों से घरों के भीतर ही रहने को कहा है। फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। गजा पट्टी पर शासन चलाने वाले चरमपंथी समूह हमास ने कहा है कि उसने 20 इसराइल में घुस गए हैं। इसके बाद समूचे इसराइल में चेतावनी जारी की गई है और सीमावर्ती इलाकों में लोगों से घरों के भीतर ही रहने को कहा गया है। फलस्तीनी लड़ाकों ने गजा पट्टी से इसराइल की तरफ रॉकेट भी दागे हैं। इन रॉकेट हमलों के बाद इसराइल के बड़े इलाकों में चेतावनी हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। कब्जाधारियों की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि दुश्मन के ठिकानों, एयरपोर्ट्स और सैन्य अड्डों पर किए गए हमारे हमले में 5,000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। हमास के हमले के बाद इसराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी पहले बयान में कहा गया है कि गजा पट्टी की तरफ से कई लड़ाके इसराइल में घुस आए हैं। हमास के कमांडर ने लेबनान के लड़ाकों से इसराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए भी कहा है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि रॉकेट हमले के बाद सुरक्षा प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक महिला की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की बचाव एजेंसी के मुताबिक 1 व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच गजा में शिक्षा मंत्रालय ने आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।